तो मोहम्मद हारिस ने तोड़ डाला युवराज सिंह के 6 छक्कों का रिकॉर्ड, एक ओवर में जड़ दिए 37 रन। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप पाकिस्तान टीम के जबड़ा फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीम के बीच खेले गए पहले 2020 अभ्यास मुकाबलों में मोहम्मद हारिस ने अपने बल्लेबाजी से गदर मचा दिया। उन्होंने बीच मैदान पर आते ही छक्कों की लड़ी लगा दी। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 22 अगस्त को होगा, लेकिन वनडे मैच से पहले इन दोनों टीमों ने मिलकर 2020 का अभ्यास मैच खेला, जिसका टॉस पाकिस्तान के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी। दोस्तों पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाजी करने आए फखर जमान और इमामुल हक ने मिलकर पारी की शुरुआत करी, लेकिन पारी के तीसरे ही ओवर में इमामुल हक LBW आउट हो गए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने फखर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान टीम ने 10 ओवरों तक टीम का स्कोर 80 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी इस रनों की गति को तेज बढ़ाने के चक्कर में कप्तान बाबर आजम कैच आउट हो गए। वहीं कप्तान बाबर आजम के आउट होने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हारिस, जिन्होंने आते ही 13वें ओवर की 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़ दिए। इसके बाद अफगान गेंदबाज ने अगला गेंद 9 बॉल डाल दिया, जिस पर मोहम्मद हारिस ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर आगे बढ़कर छक्का मारने के चक्कर में मोहम्मद हारिस स्टंप हो गए। हालांकि हारिस ने एक ओवर में 6 छक्के जड़ते हुए 37 रन ठोककर युवराज सिंह के 6 छक्कों की यादें ताजा कर दी। इसके बाद पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 170 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में 171 रनों का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 16.3 ओवरों में महज 129 रन पर धराशायी हो गई और पाकिस्तान ने पहले 2020 अभ्यास मैच को शानदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों मोहम्मद हारिस के इस शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्रिकेट के ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।